हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू सीरीज के नए टॉपिक लेके आया हूँ मैं, जिसका नाम है मीन डेविएशन अबाउट मीन। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सचिन मैथ क्लासेज। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन फॉर माय न्यू वीडियो। और कुछ प्रॉब्लम आ रही हो टॉपिक्स में तो मेरा व्हाट्सएप नंबर इधर दिया हुआ है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो और वीडियो में भी कॉमेंट में मैसेज करके मेरे को बता सकते हो। इससे पहले हमने स्टैटिक्स के ऊपर कंटिन्यूस सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर सीरीज में मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा था। आज हम कंटिन्यूस सीरीज के ऊपर नया टॉपिक जिसका नाम है मीन डेविएशन अबाउट मीन के ऊपर बात करेंगे। तो चलो बच्चों, अभी टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमें खाली क्या गिवन रहेगा, क्वेश्चन में हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी। ओनली क्लास इंटरवल हमें दिया होगा, फ्रीक्वेंसी में दिया होगा, क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो हम मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो मतलब दो बार मीन पूछा है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें मीन निकालना पड़ेगा। और बच्चों, मीन का फॉर्मूला मैं आपको आज बहुत बार बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। मीन का फॉर्मूला था समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ। एफ हमें गिवन रहेगा हमेशा क्वेश्चन में, और एक्स आई कैसे निकालेंगे, जो सी आई दे रखा है ये 0 से 10, तो 0 प्लस 10 अपॉन 2, तो 10 बाई 2, तो आ गया 5। ऐसे ही करेंगे इसका 10 प्लस 20, तो 30, 30 अपॉन 2, तो आ गया 15। ऐसे ही सभी का निकालेंगे बच्चों। मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एफ आई इंटू एक्स आई, तो ये हमारा क्या आ गया, एक्स आई। और एक्स आई को हम बोलते हैं मिड पॉइंट या मिड टर्म। तो एफ आई इंटू एक्स आई, अभी हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो हमें इधर आ गया हमारा पूरा मल्टीप्लाई। उसके बाद हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई मीन के लिए। तो इन जो टर्म आई है, इन सभी को क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे इनको, तो इनको सबका सम करके हमारे पास सम आया 1350, और समेशन ऑफ एफ का सम आया हमारे पास 50। तो मीन के फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया और कैंसिलेशन किया, तो मीन आ गया हमारा 27। तो इसके बाद बच्चों हमारा न्यू टॉपिक शुरू होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है बच्चों, इसको लिखते हैं हम MD, और इसको सेम लिखते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है, इसका थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है, बस कुछ नहीं है बच्चों, सेम है बिल्कुल। इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का मॉडुलस अपॉन समेशन ऑफ एक्स। एक्स बार क्या है बच्चों, इधर हमारा मीन है, एक्स क्या है, जो हमने मिड पॉइंट इधर निकाला था वो है हमारा बच्चों, और एफ समेशन ऑफ एफ हमें गिवन है 50। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार मतलब जो एक्स की टर्म है ये, इसमें से क्या माइनस करना है 27, जो हमारा मीन आया है। बच्चों देखो, निकालता हूं अभी, एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स की टर्म लिख लो सबसे पहले सारी, 5, 15, 25, 35, 45 माइनस करना है उसमें से एक्स बार, एक्स बार की वैल्यू हमारी कितनी आई है 27, तो इसमें से 27 माइनस कर दो, तो सो इसमें से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -22, इसमें करेंगे तो -12, इसमें से 25 में से 27 माइनस 2, 35 में से करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, और बच्चों इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 18। अभी इसका क्या निकालना है, हमें फॉर्मूले की तरफ चलते हैं बच्चों एक बार, एक्स माइनस एक्स बार का मॉडुलस, मॉडुलस क्या है कि जो भी रकम हमारी नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो हम निकालते हैं एक्स माइनस एक्स का मॉडुलस, एक्स माइनस एक्स बार का मॉडुलस। तो मॉडुलस निकालेंगे तो -2 जो नेगेटिव है वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये -12 नेगेटिव का ये भी पॉजिटिव का हो जाएगा, -2 है ये भी पॉजिटिव का हो जाएगा, और आगे तो सारे पॉजिटिव है ही हमारे। उसके बाद फिर फॉर्मूले पर चलते हैं, फिर हमें क्या चाहिए, बहुत समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार का मॉडुलस तो हमारा आ गया, हमें चाहिए एफ आई, इसके साथ एफ आई का क्या करना है मल्टीप्लाई, तो एफ आई हमें गिवन है ये, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ, तो आएगा हमारा, लिख लेते हैं बच्चों इधर, एफ आई
मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स बार का मॉडुलस। तो इसका करेंगे, एक करके बता देता हूँ, 5 लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 22 तो हमारा आएगा 110। फिर करेंगे हम 8 मल्टीप्लाई 12 तो हमारा आएगा 96। तो बच्चों इसी प्रकार करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई 2 30, 16 मल्टीप्लाई 8 128, 6 मल्टीप्लाई 18 108। तो हमें क्या चाहिए बच्चों, इसका समेशन। इसका समेशन कितना आएगा बच्चों, इनको सबको हम काउंट करेंगे तो हमारा सम आएगा 472। अब बच्चों हमारा, हमें फॉर्मूले में ये चाहिए था, समेशन ऑफ एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स बार और समेशन ऑफ एफ। इसकी वैल्यू आई हमारी 472, इसकी वैल्यू आई है 50। चलो बच्चों फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं जल्दी से। तो इसकी वैल्यू आई है हमारे पास 472 अपॉन समेशन ऑफ एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 50। तो इसको कैंसिलेशन करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 9.44। तो बच्चों ये क्या हो गया हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, कंटिन्यूस सीरीज के ऊपर ही कंटिन्यूस बात करेंगे, उसका लास्ट टॉपिक रहेगा। उसके बाद हम डिस्क्रीट सीरीज और उसके बाद इंडिविजुअल सीरीज में मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना सीखेंगे। तो प्लीज़ बच्चों कुछ प्रॉब्लम आए तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू बच्चों।